राज्य के मनरेगा में काम करने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं और इसका खामियाजा राज्य सरकार को भुगतना पड़ रहा है पड़ेगा। अब लोग पलायन करेंगे, इस बात का दावा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। श्रवण कुमार ने आज जनता दरबार के बाद कहा कि केंद्र सरकार ने मानव सृजन पर रोक लगा दिया है और हमने जो 14 लाख मानव सृजन का प्रस्ताव दिया था, केंद्र सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया है। श्रवण कुमार ने कहा 1000 करोड़ से अधिक का मनरेगा में जो राशि बाकी है, केंद्र सरकार उसे नहीं दे रही है और अब आने वाले दिनों में लोगों का पलायन राज्य के बाहर होगा, क्योंकि उनके सामने खाने पीने की दिक्कत होगी। श्रवण कुमार ने एक बड़ा खुलासा ये भी किया है कि NDA की सरकार से निकलने के बाद राज्य को उसका उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, न तो जो बकाया राशि है वो मिल पा रहा है। श्रवण कुमार ने बड़ा खुलासा ये भी किया है कि राज्य सरकार का कई मदों में पैसा बाकी है और केंद्र सरकार उसे नहीं दे रही है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमने NDA को छोड़ दिया है। श्रवण कुमार ने यह भी दावा किया कि कुंडी उपचुनाव हम लोग एक तरफा जीतने जा रहे हैं। श्रवण कुमार के दावे के बाद खलबली मची हुई है। फिलहाल देखना होगा पूरे मामले पर केंद्र सरकार का क्या अपना निर्णय हो पाता है, लेकिन इतना जरूर है कि श्रवण कुमार ने एक बड़ा धमाका किया है। मरगोबालम कशिश न्यूज पटना। निश्चित तौर पर सरकारें तो आती रहती है, सरकारें जाती रहती है, लेकिन सरकार जो भी हो, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, उनको जनता के तकलीफ को दूर करने के लिए, उनकी सुविधा को बढ़ाने के लिए, उनके उनके हर तरह के परेशानियों को दूर करने की सरकारें होती है, तो ये तो सरकार परेशान ही दूर किया करेगी कि और परेशानी को बढ़ा रही है, मुसीबत को बढ़ा रही है। जब कहा कि हर जो श्रमिक है उसको 100 दिन के काम की हम गारंटी लेते हैं, तो ये गारंटी के परिधि में ही हम उनसे अनुरोध करते हैं कि बिहार का श्रम बजट बढ़ाया जाना चाहिए और श्रम बजट बढ़ा के मनरेगा में जो 1000 करोड़ से ऊपर ज़्यादा हमारा बकाया है मटेरियल में, उसको भी जल्द से जल्द निर्गत करना चाहिए। संभावना बढ़ रही है और हर जगह जब हम लोग जाते हैं, मैं अभी छत्तीसगढ़ भी गया था, मैं उत्तर प्रदेश भी गया था, वहाँ के लोग को बिहार के नेताओं से, खास करके बिहार के मुख्यमंत्री जी से, खास करके महागठबंधन के नेताओं से बड़ी अपेक्षा है, बड़ी उम्मीद है कि वो आगे आ रहे हैं और देश में जो अराजकता की स्थिति है, देश में जो नौजवान का हाथ बेकार जा रहा है, देश में जो महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई जितना 70 साल में नहीं बढ़ा, 75 साल में, ये 8 साल में महंगाई उतनी बढ़ी है, उससे भी ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ों पर देश की जनता टकटकी निगाह से देख रही है और बिहार की जो धरती है, बिहार की जो भूमि है, बिहार के जो लोग हैं, यहाँ से ही परिवर्तन का बिगुल फूका जाता है। इसलिए देश के लोग आशान्वित हैं और हर नेता आशान्वित है, वो हमारे चाहे तेजस्वी जी हों, चाहे श्री नीतीश कुमार जी हों, चाहे अन्य पार्टी के हमारे नेता हों, सबसे मिलने, उससे विमर्श करने के लिए आते हैं। जल्द से जल्द बिहार में दे दे, ताकि जहाँ पर जो भी काम हुआ है उसके बकाया राशि का भुगतान हो जा सके। नहीं, हम तो बातचीत करते रहते हैं, हम तो पत्र लिखते रहते हैं, हमारे अधिकारी लगे रहते हैं और उसके बाद भी भारत सरकार कुछ नहीं सोचती है, कुछ नहीं विचार करती है, तब ना आपके सामने इस बात को रखने का हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। पहले तो मामला विभागीय स्तर पर ही निपटने का मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन जब निपट नहीं रहा है, काफ़ी विलम्ब हो रहा है और अब सर से पानी ऊपर होने वाला है, हमारे बिहार के श्रमिक बाहर जाने लगेंगे और जब बाहर जाने लगेंगे, उसके पहले सोचा कि आपके माध्यम से राज्य की जनता को भी बता दें और भारत सरकार से भी अनुरोध कर दें, इसलिए ये बात मैंने लगा। वहीं पर था और रात में मैं लौटा हूँ, एक तरफा है, जनता का प्यार, जनता का स्नेह, जनता का आशीर्वाद NDA के उम्मीदवार श्री मनोज कुशवाहा के पक्ष में है, वो भारी मतों के अंतर से वो जीतेंगे, वहाँ पर कोई लड़ाई नहीं। स्वागत JDU भी कर रही है ना।
ये जो हमारा मनरेगा योजना है, जो खास करके गरीबों से जुड़ा हुआ योजना है, राज्य में हमें पहले 15 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित भारत सरकार ने किया, और जब हमने 15 करोड़ मानव दिवस सृजन कर लिया तो हमने 12 करोड़ और मानव दिवस सृजन करने के लिए भारत सरकार से प्रस्ताव भेजा भारत सरकार, लेकिन 12 करोड़ में मात्र उन्होंने हमें 2.5 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया बिहार को, और वो भी 2.5 करोड़ मानव दिवस हमने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अब हमारे सामने जो राज्य के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जो हमारे श्रमिक हैं उनको अब काम मिलना बिहार में बंद हो जाएगा। अब जब बिहार में काम मिलना बंद हो जाएगा तो उनको बिहार से बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और इस मजबूर होने में जो मुख्य भूमिका होगी वो भारत सरकार और भारत सरकार के ग्रामीण विकास की होगी। तो ये मैं भारत सरकार से आपके माध्यम से, और मैंने पत्र जो लिखा है भारत सरकार के उसके माध्यम से, भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मजदूरों को काम के लिए बिहार से बाहर जाना नहीं पड़े। इसके लिए जो हमने प्रस्ताव भेजा था श्रम दिवस बढ़ाने के लिए, वो श्रम दिवस बढ़ाए, और मनरेगा में आज के सामग्री मद में भी 1045 करोड़ रुपया आज के तारीख में भी बकाया है। ये भी आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहिए।